वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे मामू हज पे जा रहे हैं, तो आज हम उन्हें एयरपोर्ट पे छोड़ने जाएंगे। उन्होंने फैसलाबाद एयरपोर्ट से ही जाना है, तो चलिए चलते हैं। ये मेरी छोटी बहन है और ये मेरे मामू की बेटी, ये भी हज पे जा रही है। छोटी सी हज ने पालो जी की रेखे कह रही है, मैं जा रही हूँ शेफ। दोस्तों, अब इनका सारा सामान वगैरह पैक हो गया, अब इनको ताले लगाते हैं और नीचे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, अब जाने का टाइम करीब आ गया, तो सारे इनसे मिल रहे हैं और इनको हार वगैरह पहना रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो हार पहना रहे हैं ये मेरे नाना बू हैं। तो दोस्तों, अब हम ये बैग वगैरह सारे बाहर ले हैं, अब इसको हम गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं। तो दोस्तों, ये सामान वगैरह है वो सब हमने डिग्गी में रख दिए हैं। अब डिग्गी को बंद करते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों, अब मेरे मामू गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं और अब हम एयरपोर्ट के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं और अब आपसे एयरपोर्ट जाके मिलते हैं। तो दोस्तों, ये हरम हमारे पास बैठी हुई है, ये इसकी मम्मा दूसरी गाड़ी में, मगर ये हमारे पास है। हमें तो लगा था कि ये रोएगी, मगर चुप करके बैठी हुई है और इन्जॉय कर रही है। ये देख, छोटी सी बच्ची है और इतनी सी उम्र में इसको पता भी नहीं है और ये इतनी बड़ी शहादत हासिल कर रही है।
अब हम एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो गए हैं। अब हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो रहे थे तो यहाँ पे रेंजर थे, तो इसलिए मैंने मोबाइल नीचे कर दिया कि वो मुझे बोले ना। तो दोस्तों हम एयरपोर्ट जल्दी पहुंच गए थे, तो अब इनमें डिस्कशन हो रही है कि अभी जाएं कि बाद में, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम तो 11 बजे का था। और मेरी मम्मा के ताया जाना है और ये अब गले वगैरह मेरे, क्योंकि अब उनके जाने का टाइम हो गया। तो दोस्तों ये मेरा कज़न इब्राहिम है और ये मेरे मामू का बेटा है। तो उसकी मम्मा उससे मिल रही थी क्योंकि वो इसको नहीं लेके जा रहे अपने साथ आज पे, तो वो भी उदास हो गया था।
तो ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर के मनाजिर हैं और यहाँ पे रश भी काफ़ी है। तो दोस्तों आप सब इनसे आखिरी दफ़ा मिल रहे हैं क्योंकि अब इन्होंने अंदर चले जाना है, तो सब एक दफ़ा आखिरी दफ़ा ना मिल रहे हैं इनसे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर कितना रश है क्योंकि और भी हाजी आए हुए हैं और उनको छोड़ने के लिए काफ़ी लोग आए हैं। तो दोस्तों अभी मैं हरम को यहाँ प्रॉम में बिठा रहा था तो वो रोने लगी, उसको लगा पता नहीं ये मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो उसकी मम्मा ने देखा कि उसकी मम्मा पास ही हैं तो वो चुप कर गई। वैसे तो इतना रोने लगी, घबरा रही थी क्योंकि इतने लोगों में बच्चा भी डर जाता है। तो दोस्तों अब मेरे मामू वगैरह बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो अब उनको अल्लाह मतलब मिलके वापस अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो अब हम एयरपोर्ट से निकल रहे हैं और घर के लिए रवाना हो गए हैं।
दोस्तों मेरे मामू वगैरह जहाज़ में बैठ गए थे, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा क्लिप सेंड किया था, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ।